आपका स्वागत है आशा इलेक्ट्रिकल में। मित्रों जी, जिसने आशा इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज जल्दी से आप वीडियो स्टार्ट करते हैं थंबनेल लगाने का। वायर में कैसे थंबनेल लगाते हैं, जैसे हो गया कंप्रेसर हो गया और कहीं भी चीज़ में होता है तो थंबनेल लगाते हैं। तो जैसे कि थंबनेल कैसे लगाते हैं, कोई कोई बंदा आता है हमारे पास दुकान पर इलेक्ट्रिशियन में तो कहता भैया थंबनेल लगाया तो अंगूठा तोड़ लेता है, कोई कुछ तोड़ लेता है, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाने, तो ऐसे ये बहुत आसान है बनाना, तो इसीलिए मैं अंगूठा तोड़ लेता है ये तोड़ लेता है। तो मैंने सोचा ठीक है एक वीडियो मैं थंबनेल पर बनाता हूँ, तो इसीलिए मैंने थंबनेल पर ये वीडियो बनाया, जैसे आप देख सकते हैं। ये मित्रों, आप थंबनेल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको वायर छीलना पड़ेगा, जाए आपको जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप ये वायर छील दें, उसके बाद आप गिलास हो या पत्थर हो, आपको कुछ भी हो उससे आप ऐसे घुमा घुमा के टाइट कर दें। पहले आप ये देख लीजिए, पहले वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये। उसके बाद मित्रों क्या करें, दोनों वायर को आप जैसे आपको जितना थंबनेल लगाना है तो आप उतने वायर को आप पहले मोड़ लें पकड़ से या प्लास से, जैसे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मित्रों आप ये जैसे ये थंबनेल है, ये थंबनेल इसको आप क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ डालना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं ये। तो ये हमने थोड़ा छोटा काटा है तो इसको और थोड़ा छील लेंगे, ये बात का आप ध्यान रखें, थोड़ा सा ये हाथ में रहेगा तो ये हम थोड़ा और ज़्यादा छील लेंगे, उसके बाद घुमा देंगे। जैसे देख सकते हैं ये पहले ही थोड़ा घुमा हुआ है तो हम थोड़ा सा और घुमा देंगे, तो कुछ ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे मित्रों, यहाँ हम लगा देंगे जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद मित्रों हम क्या करेंगे, ये प्लास होता है ये छोटा थंबनेल, अगर बड़ा बड़ा आप जो होता है थ्री फेज में फोर फोर में तो आपको मशीन आएगा आपको लगाने के लिए, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम प्लास से ही लगा लेंगे। जैसे ऐसे एक साइड का पहले ऐसे लगा देंगे, जैसे यहाँ चाप देंगे जैसे आप देख सकते हैं, उसके बाद हम दूसरे साइड का चाप देंगे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। ये ऐसे करके हम चाप देंगे पहले एक साइड का, उसके बाद दूसरे साइड का, उसके बाद यहाँ हम ऐसे ही करके एक साइड का पहले यहाँ लगा देंगे हम, जैसे आप देख सकते हैं ये वीडियो में ऐसे हम प्लास से चाप देंगे। ऐसे ही करके हम चाप देंगे जैसे आप देख सकते हैं, उसके बाद हम ऐसे बैठा देंगे ये साइड में। ऐसे हम जो कर रहे थे तो गलत था, ऐसे करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई हाथ तोड़ने का ज़रूरत नहीं, ये तोड़ने का ज़रूरत नहीं, ऐसे प्लास से पकड़ के ऐसे ऐसे हम चाप देंगे। उसके बाद चापने के बाद क्या करेंगे मित्रों, थोड़ा बहुत लूज हो जाता है तो हाँ थोड़ा होता है आपको, तो उससे भी आप तोड़ सकते हैं आप ऐसे। तो इसके बाद ऐसे हम लगा देंगे जैसे आप देख सकते हैं साफ साफ, ये थंबनेल लग गया। मित्रों हमने थंबनेल बनाना आपको लगाना के बारे में दिखाया है, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे ही दूसरा वाले में भी हमें ऐसे ही करना है, जैसे आप देख सकते हैं ये। तो इसको भी हम ऐसे ही घुमा देंगे और उसके बाद यहाँ हम लगा देंगे जैसे आप देख सकते हैं ये। उसके बाद हम ऐसे इसको मोड़ देंगे जैसे आप देख सकते हैं प्लास से, ऐसे बैठा बैठा के मोड़ देंगे हम। इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है, प्लास से ही आप थंबनेल को लगा दें, मोड़ दें। बड़ा अगर आपको होगा तो इसका डाई आता है मोड़ने के लिए, अगर बड़ा थंबनेल आपके पास है तो। उसके बाद ऐसे ही हम चाप देंगे और उसके बाद जैसे देख सकते हैं आप ऐसे लगा देंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं हमने लग गया है, उसके बाद हम थोड़ा ठोक देंगे इससे हम थोड़ा सा कि थोड़ा चौड़ा हो जाए और बैठ जाए सही से। इसके बाद मित्रों थंबनेल लगाने के बाद हम क्या करेंगे, कहीं भी आपको लगाना है तो उसमें हम ऐसे लगा सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों को कमेंट जरूर कीजिए।